सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चाहिए सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखो भाई, मेरे पीछे एक होटल सा, मतलब खाने पीने का सिस्टम सा खुल गया। सीरियसली यार बहुत अच्छा है। अभी मैं यहीं पे था। अरे कौन से रोड पे है ये? अपना जो कैथल रोड है, जिंद टू कैथल, कंडेला और शाहपुर के बीच में। यो भाई, मैं तेना 5 स्टार कहूँगा। खाने का एकदम बढ़िया है और बहुत अच्छा, साफ स्वच्छ। और देखो, अंकिल की गार्डनिंग शुरुआत हुई है और सारी मिठाइयाँ हैं। लक्ष्य का मिल्क प्लांट है ये। पीछे अगर इसके दिखाऊं तो लक्ष्य मिल्क प्लांट है, जहाँ पूरे हरियाणा में लक्ष्य का दूध जावा है, दही जावा है। और अभी श्री बलजीत रेडू जी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछ लेते हैं यहाँ का प्लान दिमाग में क्या आया। तो देखो, खास बात की थी यहाँ पे, ये गाड़ियाँ हैं, ये अच्छा, ये ट्रैक्टर, एक मकुड़िया ट्रैक्टर भी बोला करते, अब DT14 ना शायद बोला करते। अभी हम बात कर लेते हैं। नमस्कार सर जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सर सीधा सा क्वेश्चन है मेरा, मतलब इस रोड पर क्या दिमाग में आया, ये स्पेशल 5 स्टार सा आपने खोल लिया और ये आपने लगा दिए ट्रैक्टर वगैरह, क्या कुछ दिमाग में आया सर? भाई बात ये है कि ये मेरा इलाका है और जो कंडेला गाँव है जी, ये हमारी 28 कंडेला की शान है। जब मैं यूँ मिल्क प्लांट लाऊँ तो लक्ष्य, तब भी लोग जो अफसर सरकार का बोले कंडेला में और प्लांट, हाँ बोले भी मेरी धरती है और भाई वो करूँगा। तो भाई यही सोच के भाई मारा है उरोर तो कोई आवको नहीं मेरा इलाका में, तो मैं अपने भाइयों खातर सुविधा, आने जाने वाले खातर भाई सुविधा देता हूँ उनको। तो ये सोचा भाई क्योंकि हम भी ये बता दें, कंडेला कोई छोटी मोटी जगह ना है। अगर भाई यहाँ के जो बालक से ना जी, वो जब कुछ करण पा जाए तो बिना के करते, ठीक से ना? और भाई मैं भी उनमें से एक। अच्छा, जो ये ट्रैक्टर लगा रखे हैं इनकी, ये भाई हम किसान है भाई, समझे ना, किसान है मेरे भाई हैं बड़े। उनने अपना जो सरू सुर जो करी के जी बैल आता जब शुरू में आए इस पे, भाई पहला ट्रैक्टर DT14 लिया उनने, फिर DT28 बाइलार सारे ट्रैक्टर लिए, उनका शौक था अपने भाई खेती जो करे। राजे महाराजे अपनी बड़ी बड़ी कार दिखावे, भाई किसान है तो अपने ट्रैक्टर दिखावे भाई, हमने जो कराया। और ये बात के नाम एक तरह का बताओ, ये तो अब आज तो आए नहीं रहे सारे यार, रसिया से इम्पोर्ट आया उस टाइम। ये तो धरोहर है, अब धरोहर है सही पूछो तो, हिस्ट्री की धरोहर है कि भाई उस जमाने में कैसे ट्रैक्टर थे। और हो सकता है अगले 50 साल बाद तो या ऐसी धरोहर हो जाए कि जमाए बिल्कुल हो जाए। अच्छा, अभी यहाँ पे और क्या कुछ विशेष भाई? बात यह है देखो, सबसे बड़ी क्या है कि इस हाईवे लोहारू से लेके मान ले हरियाणा का लास्ट बॉर्डर है जी, और चंडीगढ़ तक कोई लोगों को ढंग की खड़े होने की जगह भी नहीं थी, पानी पीने की जगह नहीं थी। तो यही था कि लोग परेशान थे, होते मेरे बूथ पे पूरे लोग आया करते, काफ़ी लोग कहते थे भाई कुछ बनाओ यहाँ थोड़ा सा, हम तो आवाज थोड़ा सा शांति और जगह थी तो हम लोगों की सुविधा खातर ये बढ़ाया भाई चलो आए, थोड़ा सा लोग वाशरूम यूज करते हैं, कुछ खाना पीना हो जिसने कर लें, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, इधर से उधर जाओ तो थोड़ा इंटरटेन हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरे इलाके को जो भाई वो चंडीगढ़ और बड़े शहर हम नहीं जा सकते जी, भाई मैंने उन खातर ही बुरे ला दिया, चंडीगढ़ और भी ला दी और दिल्ली भी ला दी। पहले पुराना जमाना तो छोटे छोटे थे शीशे वाले, हमें जानते डरिया करते चंडीगढ़ पीछे हार दे जेब में, लेकिन इन बड़े बड़े शीशे वाले हम डरते रेस्टोरेंट में डरिया करते, लेकिन वो डर खुल जाएगा भाई बुरे सारे का, धैड खोलना है अपना शीशा और बैठ के एयर कंडीशन खाओ पीओ, तो इफ दिल्ली भी जाओ फिर नहीं, हमारे गाँव का बढ़िया भाई तारा था, समझ गया ना? रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है? रिस्पॉन्स भैया मैं तो कहता हूँ, मैं तो उम्मीद भी नहीं थी, अब उस उम्मीद से भी रिस्पॉन्स का तो ये है कि हर 2 मिनट में गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक लोग आते रह रहे हैं, अब आप देख भी लो यहाँ जो है तो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारा एक ही मोटिव है, लक्ष्य का मोटिव ये रहा हमारा कि क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, हमने ना कंप्रोमाइज क्वालिटी से कभी किया ना हम करें जी, और उसी के कारण पर भाई हमारे आज ये ब्रांड जो लक्ष्य है वो बिक रहा है। अच्छा, मैं जब शुरू में लक्ष्य का दूध देखा हमने जब पिया तो और दूध में स्मेल आया करती, आप बोले दूध में स्मेल नहीं, वो चीज़ मेरे को बड़ी आकर्षित करी भाई। आज भी नहीं है, 10 साल हो गए इस प्लांट में चलते हैं, अगर ये थैली खोल के देख ली आप न्यू पीस को कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये कहे का हमारा देखिए हमारे जो DNA में है ना, उस DNA में है क्वालिटी। और पहली बात तो भाई बात यह है, किसान घर पैदा हुए हैं और किसान कदे आते मिलावट करता देखा क्या है, DNA तो ये है ना, सही बात है, ये तो इत्तफाकन है कि भाई ये मिल्क प्लांट आ गया यार ये ला दिए। भाई हमारा DNA जो है वो शुद्धता का, किसान कभी किसी के लिए धोखा नहीं करे कभी किसी ने, और वही शुद्ध चीज़ अगर बढ़िया साफ सुथरी खिलाओ पिलाओगे तो बढ़िया होगी। ये तो दिक्कत ही है ना भाई, किसी बास आवे या कोई चीज़ अच्छी को नहीं, लोग घड़ी कमाने के चक्कर में रहे भाई मिलावट करें, और दूध तो बनी चीज़ें तो यह हाल है। अब आप ये लक्ष्य का जो स्वीट्स का है आप हैरान हो गए, हिंदुस्तान की अकेली ऐसी कंपनी है लक्ष्य स्वीट्स जो ऐसी वो बन गई ब्रांड है, जो सिर्फ एक इकला ब्रांड है जिसके पास 100% जो दूध इस्तेमाल होता है अपनी गायें भैंसा गए,
जो सबसे बड़ी ताकत है इसकी, विदाउट मिक्सिंग नहीं, मिक्सिंग के अपने खुद के इन हाउस है, सैकड़ों किले हम खेती कर रहे हैं आज भी, चारा उनका अपना उगाते हैं, हैं कम से कम हमारे पास 1800-1900 है गाय भैंसे हैं, उनका दूध जो होता है वो इस्तेमाल अपना उसमें करते हैं, जो 1% भी कोई आदमी चैलेंज के साथ है कोई कुछ वो नहीं हो सकता, कोई मतलब अर्बन स्टेट में भी आपका ही है सर, अर्बन स्टेट में हमारा भाई, ये तो शुरुआत है भाई, वो कह रहे हैं शुरुआत होगी तो होगी, अब ये हो गया रुकने वाले थोड़ी आगे का और क्या प्लान है, तो चलते रहेंगे भाई, जब तक चलते रहेंगे बस, हरियाणा अभी बहुत बड़ा है जी। तो हर शहर में हर रोड पे लोगों को शुद्ध खिलाएंगे पिलाएंगे, यहाँ पे और भी कुछ करने की सोच, जैसे फाउंटेन वगैरह लाइट, हाँ सब कुछ होता रहेगा समय के साथ साथ, लोगों को तो जो भी लोग बड़े हाईवे पे या बड़ी जगह बड़े शहर में जो उनको सुविधा है भाई, इस गाँव कडेला में सारी सुविधाएं निभाई जाने में दूंगा, समझे, इन सब में कहीं राजनीति नहीं आई, मतलब राजनीति में एंट्री करने की सोच रहे हैं आप? ऐसा भाई राजनीति, एक बात बताओ मुझे जी, आदमी राजनीति क्यों कर रहे हैं, पब्लिक सेवा का खातर करता होगा जी, भाई मेरा नाम हो जाए जी, भाई बतेरे जाना हरियाणा में लक्ष्य ने तो एक MLA तो भेज जाने में तो कई MLA ज्यादा लक्ष्य ने हरियाणा में जाना है, बिल्कुल अरे जाना है भाई, कोई ऐसा समाज की सेवा करने के तरीके, कोई राजनीतिक तौर पर कर लो, राजनीति भी जरूरी है जो करे हैं भाई, कोई बिजनेस कर लो, आज ही लक्ष्य के साथ है कम से कम 35,000 किसान मेरे भाई रोज मेरे गला जुड़ रहे हैं, पूरे हरियाणा बताऊँ मैं 1,000 गाँव में जाऊँ रोज मेरा दूध लेने कलेक्ट करूँ जो कर रहे हैं, 1,000 गाँव में सुबह शाम जाता हूँ, और मेरे 9 जगह चिलिंग सेंटर है हरियाणा में, तो भाई मेरे तो उससे मेरे भाई लाखों भाई मेरे गला जुड़ रहे हैं, लाखों लोग खाओ पीओ हैं लक्ष्य प्लांट लक्ष्य के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो लाखों लोगों के साथ रोजे की ड्रेस से नापड़ी से, ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, तो ये बस थैंक यू बस जी, बस थैंक यू जी, फॉर्मेलिटी किस बात की ना सर, कोई फॉर्मेलिटी नहीं सर, कोई बात, तो भाई बड़ा मज़ा आया यार, क्योंकि अभी तक मैंने रेडू साहब का नाम सुना था कि भाई यहाँ के बलजीत रेडू जी, लेकिन इतने खुल के बात करने वाले, इतने नॉर्मल और इतने न्यूट्रल हैं भाई, मज़ा आ गया, सोचा करते कुछ बड़ी फॉर्म होगी है तो, लेकिन बातों से कोई वो एटीट्यूड नहीं दिखा, अच्छा लगा यार बात करके, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।